महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जब अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने कार्य को जनता के सामने अवगत किया था, तब उस समय सीएम उद्धव ठाकरे ने जनता को भरपेट भोजन सिद्धेश्वर में करवाने का आश्वासन दिया था जो पूरा होने जा रहा है। जी हमें बात कर उद्धव ठाकरे की कही गई उस बात का, जिस समय उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को कहा था कि महाराष्ट्र में हर कोई 10 रुपए में भोजन कर पाएगा, जो अब पूरा होने जा रहा है। शिवसेना ने मुंबई के मुरुड में स्थानीय रहवासियों के लिए 10 रुपए में पेट भर खाने का स्टॉल चालू करवाया। मुलुंड के श्री स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ही ये कार्यरत रहेगा। आपको बता दें कि इस स्टॉल का उद्घाटन महानगर पालिका की नई महापौर किशोरी पेडनेकर द्वारा किया गया, जो जहां महापौर किशोरी पेडनेकर ने 10 रुपए के कूपन लेकर मावली थाली का आनंद उठाया। इतना ही नहीं, इस उद्घाटन में महाविकास आघाड़ी के बड़े बड़े नेतागण मौजूद थे। सुविधा को महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक काम और मौका बताया। वही आपको बता दें कि श्री स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक और शिवसैनिक जगदीश शेट्टी द्वारा ही इस भोजनालय का पूरा देखभाल किया जाएगा। प्याज है आपके इस महंगाई में, प्याज डाला अपने अपने खाने में? प्याज तो डालना ही पड़ता है वहाँ के उनके अध्यक्ष सरपंच जो हमारे पदाधिकारी उनके चैरिटेबल ट्रस्ट जनता जो है कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, इस वजह से यह मुलुंड में उन्होंने ये उपक्रम शुरू किया। ऐसे बहुत से उपक्रम को यह चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से करते उसमें लेकिन इनमें शिवसेना वचन ना अंदर पे करके उपक्रम आने वाला, जैसे कि झुमका वाकर केंद्र था वैसे महाराष्ट्र तरह से भोजन मिलना चाहिए। सामान्य मुख्यमंत्री हमें
महाराष्ट्र में देख रहे हैं सच के बारे में। आज सचमुच बाला साहब ने जिस तरीके से एक सपना सजोया था कि एक न एक दिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा और उस सपने को साकार करने का काम महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरदचंद्र जी पवार के माध्यम से, सोनिया गांधी जी के माध्यम से आज पूर्ण हुआ है। और उद्धव ठाकरे ने जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने वैसे ही वो समाजमुखी काम करना उन्होंने चालू कर दिया। जैसा कि लोग कहते हैं कि अगर समाज का राजकारण में टिकना है तो 80% समाज करना और 20% राजकारण करना चाहिए। और अपने लिए तो सभी लोग जिंदगी जीते हैं, लेकिन जो मनुष्य दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को जीता है उसी मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। एक सराहनीय काम स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है वो सचमुच धन्यवाद के पात्र है। जैसा कि देखा जाए महंगाई काफी आसमान तक छोड़ चुकी है, कांदे का भाव बढ़ चुका है, तो दस रुपये में किस तरह का पॉजिटिव रहेगा? देखिए जिसकी नीति और नीयत अच्छी होती है ना उसका काम भी उतना ही अच्छा होता है। और आज मुंबई शहर में लेनदाताओं की कोई कमी नहीं है। आज अच्छे काम में हर आदमी अपना हाथ बढ़ाना चाहता है, मदद का हाथ हमेशा आगे रखना चाहता है। तो मुझे ये लगता है कि ये काम ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और हर गरीब व्यक्ति जो व्यक्ति आज यहाँ पर मुंबई जैसे शहर में ये विश्वास व्यक्त करता है कि मुंबई में कोई भूखा रहेगा नहीं, दुर्गा देवी माता की कृपा है यहाँ पर कोई भूखा रहता नहीं और उसको इस चीज़ का आनंद मिलेगा। जगदीश सर के साथ कैसा आपका सहयोग है, किस तरह का? जगदीश शेट्टी जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मेरे बहुत ही अच्छे मित्रों में से एक मित्र जगदीश शेट्टी जी हैं। जगदीश शेट्टी जी पूरे वर्ष समय समय पर लोक उपयोगी काम करते रहे हैं और उनकी ये जो भावना है, उनका जो ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य में निश्चित रूप से हम पूरी तरह से सहयोगी रहेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। धन्यवाद। आज उद्घाटन किया गया, हम मुलुंड वासियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है। ये सेंटर मुलुंड में चालू हुआ, ये मुलुंड में इसी तरह के कई सेंटर खोलने के लिए हमारे मन में अभिलाषा है और हम पूरी तन मन धन और हमारे साथियों के साथ कई सेंटर खोलेंगे। जो हमारे गरीब भाई, जो हमारे जिनको आवश्यकता है वैसे सभी भाइयों के लिए फायदेमंद चीज़ होगी। 10 रुपये में आदमी को वड़ा पाव नहीं मिलता, 10 रुपये में आदमी को पाव भी नहीं मिलता, ऐसे में अगर पेट भर के खाना मिलता है तो ये मुलुंड वासियों के नहीं पूरे मुंबई के लिए स्वाभिमान की बात है।